फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल कुकिंग विद शिवांजलि। आज हम देखेंगे रगड़ा पैटीज, जो विंटर में अच्छा लगता है चटपटित। उससे पहले, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड कलर का बटन दबाना और साइड का बेल आइकन भी दबाना, तो न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। रगड़ा पैटीज के लिए मैंने यहाँ लिया है जो वाइट कलर का वटाना आता है, वो मैंने बॉयल करके लिया है। उसको रात को भिगो के फिर उसको बॉयल करना है कुकर में, 2-3 सिटी निकाल के। फिर मैंने लिया है अदरक लहसुन हरी मिर्च की पेस्ट है, कटा हुआ धनिया और एक टमाटर। फिर मैंने कढ़ाई पे तेल लेके उसको वगार करना है, मतलब उसको तड़का देना है। तो मैंने तेल लिया है कढ़ाई में और हम डालेंगे 1 स्पून जीरा, 1 स्पून राई। फिर हम डालेंगे उसके अंदर जो हमने अदरक लहसुन हरी मिर्च और धनिया का पेस्ट लिया है, वो पेस्ट हम गरम तेल में डालेंगे। मैंने यहाँ 2 स्पून ली है और उसको अच्छे से तेल में फ्राई करेंगे। अगर आप कांदा खाते हो तो कांदा भी कट करके यहाँ डाल सकते हैं, पर मैंने यहाँ कांदा नहीं डाला है क्योंकि हम ऊपर से डालेंगे इसके ऊपर खाते टाइम। बस इसको 2-3 मिनट तेल में अच्छे से फ्राई करना है। जब तेल छूटने लगे, ये पूरा पक जाए तेल में, तो फिर ऊपर से हम, मैंने 2 टमाटो कट करके लिया है तो वो हम टमाटो डालेंगे और थोड़ा धनिया डालेंगे, तो उससे अच्छी टेस्ट आती है धनिया डालने से। और इसको भी अच्छे से तेल में फ्राई करेंगे। थोड़ा हिलाओ तो नीचे से जलेगा नहीं, और ये मीडियम गैस पे ही पकाना है तो टमाटो अच्छे से पक जाएंगे। फिर हम डालेंगे 1 स्पून हल्दी और 3-4 स्पून मैंने यहाँ लाल मिर्च पाउडर और 1 स्पून मैंने गरम मसाला पाउडर डाला है। आप अपना जितने तीखा चाहिए उस हिसाब से आप इसको तीखा बनाना। और इसमें मैंने डाला है 1/2 स्पून हींग। हींग से भी बहुत टेस्ट आता है और स्मेल बहुत अच्छा लगता है खाने में, तो हींग जरूर डालना, तो पाचन के लिए भी अच्छा रहता है हींग, क्योंकि हम वटाना खा रहे हैं तो थोड़ा वो वात होता है उसमें, तो हींग डालना ज़रूरी है। फिर हम यहाँ डालेंगे बॉईल किए हुए सफ़ेद वाले वटाने हैं, जो सफ़ेद वटाने आते हैं उसको रात को भिगो और फिर दूसरे दिन उसको कुकर में सिटी लगाओ 2-3, तो वो पक जाते हैं आराम से। 3-4 घंटे भी भिगोगे तब भी वो आराम से पक जाते हैं। ये हमारा रगड़ा रेडी है। इसको मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा मसाला ऐड नहीं किया है इसमें। जो बाहर से रगड़ा पैटीज का मसाला आता है वो डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे भी टेस्ट लगता है। और हम ऐड करेंगे थोड़ा धनिया और स्वाद अनुसार नमक। इसको थोड़ा पकने देते हैं, बॉईल आने तक इसको पकाएंगे, ढक के रखते हैं। अब हम पैटीज के लिए सामान देखते हैं। मैंने यहाँ जीरा पाउडर लिया है, अमचूर पाउडर लिया है, 2-3 कली या लहसुन, 4-5 हरी मिर्च, 2 बॉईल किए पोटैटो, 1 बड़ा बाउल मैंने मटर लिए हैं और धनिया और स्वाद अनुसार नमक। ये सब मसाला वटाना मिक्सी में पीस लेंगे हम। थोड़ा क्रश करना है, ज़्यादा बारीक नहीं करनी है, नहीं तो वो पानी छोड़ देगा। और उसको हम एक पतीले में निकाल देंगे। आपको जितने पैटीज बनाने हैं उतने हम मटर ले सकते हैं। 1 बाउल से मेरे यहाँ 8 पैटीज बनते हैं, तो आप उस हिसाब से, आपको जितने बनाने हैं उस हिसाब से मटर और पोटैटो ऐड कर सकते हैं। और जो बॉईल किया हुआ पोटैटो है उसको आप छीन लो या बारीक हाथों से ही मैश कर दो या अच्छे से मिक्स कर दो। फिर मैंने डाला है उसके में हल्दी और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और नमक, थोड़ा कैमरा मेरा हिल रहा है तो सॉरी। बस और अच्छे से इसको
मिक्स कर दो। इसमें हम कच्चा धनिया भी ऐड करेंगे। मैंने इसमें अमचूर पाउडर डाला है तो इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आपके पास चाट मसाला पाउडर है तो आप चाट मसाला भी इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमने रगड़ा में कुछ भी ही मसाला ज़्यादा ऐड नहीं किया, सिंपल सी सब्जी बनाई है उसकी। और इस पे हम डालेंगे 2 स्पून कॉर्नफ्लावर है। ये 2 स्पून कॉर्नफ्लावर से ये अच्छे से बाइंडिंग होंगे और क्रिस्पी लगेंगे, तो कॉर्नफ्लावर ज़रूर डालना। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है तो आप इधर मैदा भी ऐड कर सकते हैं या बेसन भी ऐड कर सकते हैं, पर बेसन से थोड़ा टेस्ट अलग आएगा, तो बेटर है कि आप कॉर्नफ्लावर ही ऐड करो। और आपको जिस साइज़ के पैटी चाहिए उस साइज़ से आप बना सकते हैं। मैं यहाँ राउंड बना रही हूँ। मैंने तवा ऑलरेडी गर्म करने के लिए रखा था और तेल डाला है। इसको हम पैटिस बना के दोनों तरफ से अच्छे से पकाएंगे, क्रिस्पी होने तक, गोल्डन ब्राउन होने तक। और ये एक तवे पे आप 4-5 एक साथ सेक सकते हैं, अच्छे से सेक भी जाते हैं। मैंने यहाँ नॉनस्टिक तवा लिया है। अगर आप दूसरा तवा लेते हो तो थोड़ा तेल ज़्यादा लगेगा, नहीं तो नीचे से चिपक जाएगा। इतने सामान से मेरे 8 पैटिस बन के रेडी हो जाते हैं, मीडियम साइज के। अगर आप चाहते हो तो जिस भी सेप को सेप के आपको पैटिस बनानी आप बना सकते हैं। यहाँ पे रगड़ा पैटिस में मोस्टली हार्ड वाली या गोली होते हैं, तो मैं यहाँ गोली बना रही हूँ। मैंने दूसरे तवे पे भी पैटिस रखे हैं। मैंने दोनों तवे पे गैस गरम करके 2 तवे रखे थे, तो दोनों तरफ से मैं उसको सेक रही हूँ। इसको धीरे धीरे पलटना है हमको, और अच्छे से दोनों तरफ से क्रिस्पी ब्राउन, गोल्डन ब्राउन होने तक अब मैंने पकाना है। एक तरफ से हो गए, मैं दूसरी तरफ से भी सेक लेती हूँ। तो ये हमारे पैटिस रेडी है एक तवे पे। बस हम अभी पैटिस और रगड़ा मैंने बाउल में निकाल दिया है। ये लिया है मैंने मीठी चटनी और ये है ग्रीन चटनी। ये जरूर चाहिए रगड़ा पैटिस में, इसके सिवा टेस्ट नहीं आएगा। ये बहुत अच्छे से टेस्ट देता है। ऊपर से हम डालेंगे कटा हुआ कांदा डालेंगे और धनिया भी डालेंगे, और फिर ऊपर से हम डालेंगे लाल खट्टी मीठी चटनी और हरी मिर्च, हरी चटनी जो पुदीना धनिया की हरी मिर्च की चटनी होती है वो। और इसको गरम गरम सर्व करना तो ये बहुत अच्छे से टेस्ट लगती है। ये हमारा रेडी हो गया बाहर के जैसा रगड़ा पैटिस। इसको खट्टी मिट्टी और हरी चटनी के साथ ये बहुत अच्छा लगता है। अगर आपके पास मूली है तो मूली भी छीन के थोड़ा नमक डाल के ये इसके साथ बहुत अच्छी लगती है। सर्व करते टाइम ऊपर से दोनों चटनी डाल के, कांदा डाल के, धनिया डाल के ले लेना तो बहुत अच्छा लगता है। ये बाजार जैसा हमारा घर पे ही 10 मिनट में तैयार होने वाला रगड़ा पैटिस रेडी है। आप भी जरूर ट्राई करना, और इस विंटर में मटर के सीजन में ये पैटिस जरूर जरूर ट्राई करना और मुझे बताना कैसा हुआ है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और प्लीज प्लीज घर में ही रहिए। अभी तक कोरोना पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।